हम अभी जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे ही लाइफस्टाइल की वजह से हम जी रहे हैं। लाइफस्टाइल का मतलब है हमारी टेंडेंसीज, थॉट प्रोसेस एंड एक्शंस, ये सब मिला के हमारा लाइफस्टाइल बनता है। तो ये कैसे बनता है और इस चीज़ को हम कैसे चेंज करके अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, उसके बारे में आज हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। सो वेलकम टू माय चैनल, वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट 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 वंडरफुल बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड, रिटन बाय इकिरो किसुमी एंड फ्यूमिटे कोगा। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पहली रात के बारे में, जिस रात में डिबेट का टॉपिक ये है कि हमें लगता है कि हम चेंज नहीं हो सकते, हम चेंज करने के लिए ट्राई तो करते हैं, और हमें ये समझाया जा रहा है इस किताब के ज़रिए, ये फिलोसोफर हमें ये समझा रहे हैं वी कैन चेंज आवर सेल्फ, वी कैन चेंज एवरीथिंग, क्योंकि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसको कौन कॉम्प्लिकेटेड बनाता है? हमारी सोच, हमारी दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हमें दुनिया कॉम्प्लिकेटेड लगती है। देन अगर हमारे ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, अगर हम चीज़ों को सिंपली लेने लग जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें चेंज होना चाहिए। हम अपनी कॉम्प्लिकेसी से कैसे बाहर निकले, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले अपने एपिसोड में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस किया है जो कि हमारी एंगर के बारे में था। अगर आप लोग उस एपिसोड को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक द वीडियो एंड गो थ्रू द बुक, गो थ्रू द ऑल एंड ऑल लाइंस। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, देखिए हमारी जो बिहेवियर है कैसे होता है, हमारी ज़िंदगी कैसे फॉर्म्ड होती है, हम जिस परिवार में, जिस सराउंडिंग में, जो नेशनैलिटी में या फिर जो एनवायरनमेंट में हम पैदा होते हैं, 8 से 10 साल तक उस चीज़ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस उतनी डेवलप्ड नहीं होती है कि हम उसको कंट्रोल कर सके या फिर अपने हिसाब से चला सके। तो जो जैसी हमारी सराउंडिंग होती है, एनवायरनमेंट होती है, उसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच, हमारी सारी चीज़ें, हमारी डे टू डे लाइफ का जो बिहेवियर है, जो एक्शन है, वो सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग होते जाता है। एंड आफ्टर दैट टाइम क्या होता है, देखिए एक गलत चीज़ भी अगर आपके साथ बार 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 हो रहा है तो आप उस गलत चीज़ के साथ भी कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं धीरे धीरे, ऐसा होता है ना? तो हमारे साथ भी यही होता है, जो हमारे बचपन से हमारा जो एक डे टू डे लाइफ चलता है, एज यूजुअल लाइफ जो चलता आ रहा होता है, हम उसी, जब हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, जब हमें पता चलता है सही गलत ये वो चीज़ों का, जब हमें पता चलता है तब भी क्या होता है, हम उस जो गलत चीज़ें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, या फिर जो हमारी नेगेटिव सराउंडिंग है, या फिर वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो लिमिटेशन है जो कि हमारी सोच को हमें बांध के रखी है, जानते हुए भी हम उन सोच के साथ कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारी जिंदगी फिर जैसे था वैसे ही चलती जाती है, क्योंकि हम चेंज होने के लिए जो साहस चाहिए, जो स्टेप चाहिए, वो स्टेप हम लेते ही नहीं है, क्योंकि वो जो हमारा प्रीवियस जो प्रेडिक्शंस है उनके साथ हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे लिए खराब ही क्यों ना हो। तो अभी देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि इससे हो सकता है आप हमारे साथ सहमत ना हो, बुक के साथ सहमत ना हो, लेकिन ये सच बात है कि अनहैप्पी रहना, असंतुष्ट रहना, ये हम खुद तय करते हैं, ये हम खुद चूज करते हैं। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि आप उस असंतुष्टि के साथ, उस दुख के साथ ऑलरेडी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये सच है। तो अगर आप सही में सुख चाहते हैं तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा।
और उसके लिए आपको करेज चाहिए कुछ न्यू नया कुछ बदलाव के लिए। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो साहस है। ये साहस क्यों चाहिए पता है? जब हम कुछ नया करने जाते हैं, कुछ नया सोचना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रेडिक्शंस नहीं होते। देखिए बात को थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर हम पुराना कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास प्रेडिक्शन है, इसीलिए हमारे अंदर उतने ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होती। लेकिन जब हम कुछ नया कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में, तो हमारे अंदर वो एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है, और उस एंजाइटी लेवल को इग्नोर करने के लिए हम वो नया चीज करना ही नहीं चाहते, साहस नहीं कर पाते, उस एंजाइटी उस चीज को, उस अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर को डरते हैं हम लोग। यही होता है हमारा चेंज ना होने का कारण, वो स्टेप जानते हुए भी वो स्टेप ना लेने की कारण। तो हम क्या करते हैं, ये साहस हम करते नहीं हैं और हमेशा से ये सोचते रहते हैं कि अगर मेरे पास वो चीज होता तो मैं कितना खुश होती, अगर वो होता तो खुश होती, वो होता तो खुश होती। और देखिए क्योंकि हम वो सारी चीजें, अगर होता तो खुश होती, उसके जैसे मैं होती तो खुश होती, अगर ऐश्वर्या राय का लाइफ कितना अच्छा है यार, अगर मेरा लाइफ भी उसके जैसा होता तो मैं कितना अच्छा, मैं बहुत खुश होती, ऐसा लगता है हमें। देखिए हम रीबॉर्न नहीं हो सकते, लेकिन अपने आप को रिन्यूअल कर सकते हैं। हम ऐश्वर्या राय नहीं बन सकते, लेकिन अपना जो वर्जन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लिए, जो हम चाहते हैं। अगर हम कुछ और करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्टेप लीजिए, अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं उसके लिए स्टेप लेना शुरू कीजिए, आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए स्टेप लेना शुरू कीजिए, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इमोशनली स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उसके लिए स्टेप्स लीजिए। तो हर दिन हर रोज हम अपने आप को एक बेटर वर्जन बना सकते हैं। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप जैसे हैं खुद में खुश रहिए, नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझ में कोई कमी है, उस कमी को इग्नोर मत कीजिए, उस कमी को टूल मत बनाइए, उसको बहाना मत बनाइए, उस पास्ट को बहाना मत बनाइए। ये सारी चीजें, कोई कमी, कोई पास्ट, कोई नेगेटिविटी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब बहाना है। अगर आप सही में चेंज होना चाहते हैं, सही में चीजों को चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास वो साहस होने की जरूरत है। और अगर आप वो साहस अपने अंदर जुटा लेते हैं, तो जिंदगी को आज से, नाउ एंड हियर, आज से यहीं पर अभी से शुरू कीजिए नए तरीके से, जैसे आप चाहते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन चेंज। अगर आप एक डिसीजन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, देन ओनली यू कैन चेंज। वरना आप अगर सिर्फ बहाना ही देते रहेंगे और ऐसी बहानाएं देते रहेंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर देख लीजिए। बट We all can change। और दोस्तों ये जो फर्स्ट चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर का टोटल जिस्ट अभी हम बताते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो जिस्ट ये है कि पहली रात जो बात किया जा रहा है वो ये है कि हम सोचते हैं हम चेंज नहीं हो सकते, लेकिन ये सच नहीं है। हमें एक नए वर्जन के ओर जाने के लिए, हमें चेंज होने के लिए साहस की जरूरत होती है, और अगर वो साहस हम में है तो ऑब्वियसली हम आज और अभी से खुद को चेंज करना शुरू कर सकते हैं और एक बहुत ही बढ़िया, सुंदर, खुशहाल और सफल जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी किताब है, किताब के थ्रू ज़रूर जाइए। और फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।